प्रशांत किशोर आने वाले वक्त में डैमेज कर सकते हैं। प्रशांत किशोर किसे ज्यादा बोल रहे हैं, एक तरफ वो नीतीश कुमार को कहते हैं कि 20 से ज्यादा सीटें उनको नहीं आएंगी, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर आरजेडी पर हमले तो कर रहे हैं लेकिन उनके साथ उनके कदम ताल मिलाते हुए कौन नजर आ रहा है। सच्चाई ये है कि किसी भी मंत्री, नेता, विधायक, जनप्रतिनिधि का बात वो पुलिस महकमा नहीं सुनता है, सीधे अगर हॉटलाइन से बात नीतीश कुमार की हो तो नीतीश कुमार की ही बातों को ज्यादातर वो तवज्जो देते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खबरदार है। बिहार में नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की वजह से एनडीए गठबंधन की सरकार केंद्र में चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहता है कि बिहार में 2025 के चुनाव के समय हमारी पार्टी मजबूत स्थिति में आ जाए और एक बार फिर बिहार में हम अपने बल बदौलत, हम अपने मजबूत स्थिति में बिहार में सरकार अपनी बनाए। लेकिन ये क्या सब कुछ संभव हो पाएगा? नीतीश कुमार के साथ रहते ही एनडीए गठबंधन की सरकार शुरू से ही 2005 से अगर बातचीत करें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश के बदौलत ही सरकार में रहते आई है, लेकिन इस वक्त परिस्थितियां अब बिल्कुल उलट जा रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार के लगातार पाला बदलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक छवि है, जो उसकी एक क्रेडिबिलिटी जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में बनाई है या फिर कुछ राज्यों में जिन पर वो अपना अधिकार जमाता है, तो वो क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं बिहार में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। बिहार में जो 18% की एक बड़ी आबादी मुस्लिमों की और 14 से 17% की एक बड़ी आबादी यादवों की, जिसके बदौलत बिहार में सरकार में लालू प्रसाद यादव हमेशा से आते रहे हैं, उन वोट बैंकों में सेंधमारी करने की भी आवश्यकता है। और उस वोट बैंक में सेंधमारी कैसे की जाएगी, इसके लिए आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक सेकेंड लाइन तैयार करना शुरू कर दिया है। वो सेकेंड लाइन कौन है, तो वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की जो मुहिम है जनसुराज, इस मुहिम के बदौलत आपने देखा होगा कि कई जो मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन में उनके घटक दलों में शामिल नेता हो या फिर आरजेडी के जो मुस्लिम नेता हैं, वो प्रशांत किशोर के जनसुराज में भागीदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक नया प्लान शुरू कर दिया है, टीम पी के टीम बी प्लान बी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी टीम पी के जनसुराज है। जहां चर्चाएं इस बात की खूब हो रही हैं, हम लगातार बाबा के साथ भी इस बात को लेकर के विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर आने वाले वक्त में डैमेज कर सकते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर किसे ज़्यादा बोल रहे हैं, एक तरफ वो नीतीश कुमार को कहते हैं कि 20 से ज़्यादा सीटें उनको नहीं आएंगी, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर आरजेडी पर हमले तो कर रहे हैं लेकिन उनके साथ उनके कदम ताल मिलाते हुए कौन नजर आ रहा है, तो उनके साथ कदम ताल मिलाते भारतीय जनता पार्टी आ रही है क्योंकि बीजेपी जो है वो आरजेडी पर जबरदस्त हमले कर रही है। अब यहाँ बात हो रही है कि नीतीश इन सब के बीच में अलग थलग कैसे पड़ गए हैं। देखिए, बिहार में ये सच है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। बिहार में जो पुलिस महकमा है वो अपने मन मर्जी के मुताबिक बिहार में अपने राज्य चला रहा है। नीतीश कुमार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको संरक्षण देते हैं हर तरीके के। आपने देखा होगा कि जो वर्तमान में परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि एक आईएएस को कैसे सुप्रीम हाईकोर्ट से एक बड़ा जजमेंट उनको मिलता है, उनको राहत मिल जाती है, एक मामले में उनकी संलिप्तता थी, ईडी सीबीआई उनके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन अंततः गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है और नीतीश कुमार ने जो बातें कही हैं कि ना तो हम किसी को फंसाते हैं ना तो हम किसी को बचाते हैं, अंततः उन्होंने अपने एक आईएएस अधिकारी को बचा लिया। उन पे कई मामले चल रहे थे, उन आईएएस अधिकारी को बचाया है। तो आईएएस अधिकारी या बिहार का पुलिस महकमा भी ये जानता है कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक बिहार में उनको किसी से कोई डर नहीं है। और सच्चाई भी यही है कि वो बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार हो या फिर महागठबंधन की सरकार, सच्चाई ये है कि किसी भी मंत्री, नेता, विधायक, जनप्रतिनिधि का बात वो पुलिस महकमा नहीं सुनता है, सीधे अगर हॉटलाइन से बात
नीतीश कुमार की हो तो नीतीश कुमार की ही बातों को ज़्यादातर वो तवज्जो देते हैं, बाकी लोगों की बातों को वो दरकिनार कर देते हैं, और इससे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, विधायक, मंत्री परेशान रहते हैं, तो उससे ज़्यादा परेशानियाँ महागठबंधन में रहने वाले आरजेडी के नेताओं को भी हो जाती है। इसी क्रम में देखते हैं कि आप देखते होंगे कि किस तरीके से बिहार में वर्तमान में जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, इससे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी परेशान हो चुकी है। परेशानी का कारण भी है कि लॉ एंड ऑर्डर में निर्मम किसी भी व्यक्ति की हत्या दिन दहाड़े हो जाता है। अब मान के चलिए कोई भी जनप्रतिनिधि है या कोई भी सांसद है अपने क्षेत्र में, वो अच्छा काम करना चाहता है, वो चाहता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे लोकसभा क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाए, वो चाहता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर हम बातचीत करें, DM से बातचीत करें, SP से बातचीत करें, वहाँ के जो वरीय अधिकारी हैं उनसे बातचीत करें। अब RK सिंह की ही बातचीत करें कि आरा लोकसभा क्षेत्र से वो पूर्व के सांसद रह चुके हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, अब उनके लोकसभा क्षेत्र में, चूंकि अब उनका लोकसभा क्षेत्र है तो भले ही वो वहां से सांसद हो ना हो, लेकिन वो अपने क्षेत्र की जनता के बीच रह रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2029 का चुनाव भी संभावित है कि वो लड़े या फिर अपने किसी परिवार के व्यक्ति को लड़ा दें, तो अपने क्षेत्र में जनता के बीच हैं। अब उनके क्षेत्र में एक घटना घट गई, एक छोटी बच्ची से बलात्कार कर लिया गया, और इस घटना को लेकर SP से लेकर DM तक वो चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। अंततः वो मीडिया के कैमरों के सामने आते हैं और ये बातें और अपना दुख दर्द बताते हैं कि ये परिस्थितियां बिहार में हो गई हैं। वही बात अगर संजय जायसवाल की करें, संजय जायसवाल जो कि वर्तमान में सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी अपना दुखड़ा व्यक्त किया है। उनके संसदीय क्षेत्र में शराबबंदी की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई। अब ये सोचने वाली बात है, ताजुब वाली बात है कि बिहार में शराबबंदी की वजह से लोगों की लगातार मौत हो रही है। संजय जायसवाल देखिए, इस बार की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो सरकार बड़े मुश्किल से बनी है। इस बार के जो सांसद बने हैं वो बड़े मुश्किल में सांसदी का चुनाव जीते हैं, और वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि हमें आने वाले चुनाव में जनता नकार दे या फिर हमारा विरोध हो, इसलिए वो काम पे काम कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर के संजय जायसवाल जब अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो पता चलता है कि जितने जो शराब चालू की जब शराब बिहार में चालू था तब लोग नहीं मरे जितने शराबबंदी के बाद मरे हैं, और ये उनके लिए चिंताजनक विषय हो गया। तो उन्होंने अपना दुखड़ा मीडिया के सामने रख दिया कि पता नहीं कैसे बिहार पुलिस महकमे को इस बात की जानकारी नहीं है कि बिहार में शराब मिल रहा है, लेकिन यहाँ का गांव का हर छोटा बच्चा ये जानता है कि हर 2 किलोमीटर पर 3 किलोमीटर के पर शराब की डिलीवरी होती है अवैध रूप से। पता नहीं पुलिस प्रशासन किस नशे में चूर रहता है कि उसे कुछ जानकारी ही नहीं होती है। तो ये इन दो लोगों के बयान को अगर आप गौर करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक पूर्व में केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व में सांसद, दूसरे वर्तमान में सांसद हैं, और शराबबंदी को लेकर के जब ये अपना दुखड़ा व्यक्त करते हैं, तब कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो जाता है कि वाकई में नीतीश कुमार के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। और वर्तमान में अगर बातचीत करें तो ये लॉ एंड ऑर्डर का ही विषय नहीं है, नीतीश के प्रशासनिक महकमे का ही विषय नहीं है। बिहार में जो बातचीत कही गई थी जब सम्राट चौधरी विपक्ष में थे, तब उन्होंने कहा था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हमारी सरकार आने के साथ ही सुधर जाएगा, लेकिन यहाँ चलती तो नीतीश कुमार की ही है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन नीतीश कुमार के बिना आदेश के कोई भी व्यक्ति चू तक नहीं करता है। सम्राट चौधरी अपने इसी नीतीश कुमार की वजह से, सम्राट चौधरी ने अपना पगड़ी तक उतार दिया, अपना जो एक संकल्प था उसे तोड़ दिया, तो लॉ एंड ऑर्डर पर वो तो चुप्पी साधेंगे ही साधेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो ये परिस्थितियां इस वक्त उत्पन्न हुई हैं। दूसरी तरफ इन सभी परेशानियों के बीच में नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बन रहा है कि अब कुर्सी उनको खाली कर देना चाहिए। नीतीश कुमार बेशक राजनीतिक करियर के अपने उस पायदान पर जा चुके हैं जिस पायदान पर अब सिर्फ अंतिम विकल्प यही बचा है कि राजनीतिक रूप से संन्यास ले लिया जाए। देखिए, जदयू के अंदर भी कई मंत्री, कई नीतीश कुमार के करीबी ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी किसी और को सौंपें और वो एक नए सिरे से बिहार में राजनीति करें, नया सब कुछ उनके पास रहे। कई जो नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले मंत्री हैं जदयू के, वो भी नीतीश कुमार की वजह से काफ़ी परेशानी में चल रहे हैं। उनके भी किरकिरी होती है उनके क्षेत्रों में, नीतीश कुमार के बार बार पलट जाने की वजह से उनकी जो छवि खराब होती है, वो नीतीश कुमार से कैसे वो बयां करेंगे। भले ही मीडिया के कैमरों पर वो आके लगातार बयान कर दें कि हम
नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। नीतीश कुमार नीतियों से समझौता नहीं करते, स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, लेकिन उनके अंदर एक खुन्नस भरा रहता है कि वो अपनी छवि से कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये परिस्थितियां हैं, आपने देखा होगा हाल के दिनों में नीतीश कुमार आजकल कहीं भी जा रहे हैं तो उनके साथ रहने वाले जो इर्द गिर्द मंत्री हुआ करते थे वो भी नीतीश कुमार से अब अलग हो चुके हैं। नीतीश कुमार कई जगहों पर औचक निरीक्षण करने के लिए चले जाते हैं तो मंत्री उनके आसपास नहीं दिखते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको सीएम बनना है और वो लगातार केंद्र से इस बारे में शिकायत करते हैं कि हुजूर जल्दी से जल्दी इनको कुर्सी से हटाइए, बहुत मौका है बिहार में हमारे लिए राजनीति करने का, और कहीं ना कहीं इससे परेशान है भारतीय जनता पार्टी। तो आने वाले वक्त में ये देखना, जल्दबाजी आप इसे कह सकते हैं कि बहुत जल्द ही बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है। नीतीश कुमार के ऊपर जो कुर्सी छोड़ने का दबाव बन रहा है इसमें बहुत बड़ा उलटफेर देखने को भी मिल सकता है। तो आप देखेंगे नीतीश कुमार के ऊपर बढ़ते दबाव की वजह से कहीं ना कहीं जल्द ही बिहार में कुर्सी नीतीश कुमार खाली कर सकते हैं। उनका उत्तराधिकारी कौन होगा इस बात की चर्चाएं अभी होनी बाकी हैं। हालांकि उनके बेटे निशांत जदयू के अंदर कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके बारे में चर्चा चल रही है, लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार किसे अपना कुर्सी सौंपते हैं। लेकिन ये तो तय है कि नीतीश कुमार के ऊपर लगातार दबाव बन रहा है, कब कुर्सी खाली करेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल खबरधार के लिए इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार मिल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।